नमस्कार दोस्तों, पावर ग्रिड WR2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 28/4 को, उसका जो पेपर है उसके 100 क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लिखे हैं। MI टाइप इंस्ट्रूमेंट है, अगर 200 वोल्टेज AC में मेज़र करता है तो PMMC क्या करेगा? PMMC जो है वो DC पर ही वर्क करता है केवल, तो AC जो रीड करेगा वो जीरो करेगा। MI टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मूविंग जो कोयल है, PMMC है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, उसकी स्केल जो होती है वो लीनियर होती है। चौथा क्वेश्चन है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है डेल्टा टू स्टार होता है, मतलब आपके अगर टर्न रेशियो जो है N1 N2 जो है वो 1:1 के अंदर है तो जो वोल्टेज जो होगा वो स्टार साइड के अंदर √3 के रूप मल्टीपल के रूप में, मतलब ज़्यादा होगा, स्टेप अप होगा। डेल्टा के अंदर अगर रेजिस्टेंस जो R है तो स्टार में जो रेजिस्टेंस होगा वो R/3 होगा। छठा क्वेश्चन है आपके डेल्टा के अंदर अगर पावर 30 वाट है तो स्टार के अंदर जो पावर होगी P/3 होगी, यानी कि 10 वाट होगी। और वोल्टेज जो रेगुलेशन जो है आपके वो नेगेटिव कब होगा? जब पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग होगा, अगर लैगिंग होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो पूछा था सर्ज इंपीडेंस लोडिंग अगर जो RL लोड के बराबर है तो उस कंडीशन में, ये कंडीशन पूछी थी कि VS VR के बराबर होगा। ऑप्शन पहला ये था, दूसरा था कि VS greater than VR होगा, तीसरा VR greater than VS होगा। तो इनमें से क्या है आप देख लेना ये नेट पर। नेक्स्ट है आपके जो ABCD पैरामीटर होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के, तो वो AD-BC इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ D ट्रांसमिशन जो पैरामीटर जो D होता है उसकी यूनिट होती है -I1/I2, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये आप निकालोगे ट्रांसमिशन पैरामीटर D तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है संट रिएक्टर जो है फेरेंटी इफेक्ट जो है उसको कम करने के लिए आप लगाते हैं संट रिएक्टर को। नेक्स्ट है आपके PR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डॉल, मतलब ये होता है कि जो पावर जो ट्रांसमिट होती है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड साइन डॉल एंड ट्रांसमिशन जो रिएक्टेंस होता है XT के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये आया था कि साइन जो डॉल है अगर डॉल 90° होगा तो मैक्सिमम जो पावर है वो ट्रांसफर होगी, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि हाई वोल्टेज लाइन में किस टाइप के कंडक्टर जो है वो यूज़ करते हैं, SCSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। स्किन इफेक्ट को कम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, वो चीज़ें आपको पढ़नी होगी। बंडल कंडक्टर जो है आपके, उससे क्या फ़ायदे हैं? एक तो कोरोना कम होगा, एक जो पावर लॉसेस हैं वो कम होंगे। फीडर जो है वो किस बेस पे डिज़ाइन किया जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए फीडर को डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो आपके, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से लेकर 100 हर्ट्ज़ तक चेंज कर दी गई है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है लोड बस जो PQ बस होती है। नेक्स्ट है आपके पेल्टन व्हील टर्बाइन जो है उसका हेड होता है वो 300 मीटर के अबव होता है। नेक्स्ट है प्राइम मूवर जो है हैज़ हाईएस्ट स्पीड, कौन सा पेल्टन टर्बाइन का होता है हाईएस्ट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लो स्पीड टर्बाइन केपलन टर्बाइन। इकोनोमाइजर जो है आपके फीडिंग वाटर हीटअप, मतलब इकोनोमाइजर कहाँ काम आता है, जो आपके पावर प्लांट है उसके अंदर इकोनोमाइजर यूज़ क्या है इकोनोमाइजर का। विच प्लांट हैज हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, कौन सा है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डिमांड फैक्टर का था, लोड फैक्टर का था, पावर फैक्टर का था। इसमें जो 28 नंबर क्वेश्चन है म्यूचुअल वोल्टेज का क्वेश्चन पूछा था कि इसके अंदर K की वैल्यू क्या होगी, इसका जो क्वेश्चन का ये फॉर्मेशन था। और उसके बाद में है आपके 29 नंबर में पूछा था आपके M की वैल्यू पूछी थी, तो M की वैल्यू जो इसमें ये पूछा था 29 नंबर में कि अगर आप टर्न डबल कर देते हो, N डबल करोगे तो डबल का कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और लेकिन इसके साथ साथ लेंथ भी डबल हो जाएगी, तो ऑल ओवर जो L की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डबल। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आप निकाल सकते हैं यहाँ की। M की वैल्यू जो है M = K√L1L2 होता है, तो M की वैल्यू भी डबल होगी। उसके बाद में न्यूमेरिकल थे आपके सर्किट के, उसके 32 नंबर भी न्यूमेरिकल था,
और उसके बाद में 33 भी न्यूमेरिकल है, 34 भी न्यूमेरिकल है, और उसके बाद में आपके हैं किरचॉफ लॉ जो है लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पर वर्क करता है। ओम्स लॉ था टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है मेटल का पॉजिटिव होता है, अगर कोई वेव दे रखी है अगर साइन 100 साइन ओमेगा टी दे रखा है तो उसके अंदर जो ओमेगा की वैल्यू अगर 314 दे रखी है तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। तो इसमें ये पूछा था कि फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो उसके अंदर जो है 1/ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो टी निकल जाएगा, और टी जो है आपका 20 मिली सेकेंड या फिर 0.020 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन आया था 25 हर्ट्ज़ जो है उसके ऊपर जो टाइम है वो क्या होगा, तो ये 0.04 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन ओमेगा टी, तो इसके अंदर ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज या करंट की तो उसमें पावर की इंस्टेंटेनियस जो पावर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 ओमेगा होती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर आपके पूछ लिया कि जो साइन वेव दे रखी है दो अलग अलग वेव फॉर्म दे रखी है उनके बीच का एंगल पूछा है, तो दोनों का एंगल जो होगा I1 और I2 का वो आपके एंगल आप निकाल सकते हैं, ऐसे दिखा रखा है आपको फिगर में। और एनर्जी की यूनिट ऐसा यूनिट जूल होती है, रिलक्टेंस जो होता है वो इज इक्वल टू L/μA होता है, म्यू परमेबिलिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट ऑफ बी वेपर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। नेक्स्ट इसका वोल्ट मीटर का है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, और न्यूमेरिकल बेस आया था EMF जो है आपके BLV sin θ होता है उसके बेस से क्वेश्चन आया था। DC मोटर जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है, और आपको BH कर्व जो है उसके अंदर जो है रिटेंटिविटी से रिलेटेड एक सवाल पूछा था, उसके बाद में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का सवाल पूछा था। और अगर हाफ वेव अगर 10 वोल्टेज हैं तो उसकी हाफ वेव का क्या फॉर्मूला होता है, वी मैक्सिमम अपॉन 2 होता है, तो इसकी वी मैक्सिमम यहाँ से निकालेंगे तो आपके 20 वोल्टेज आ जाएगा, और फुल वेव का अगर RMS वैल्यू चाहिए आपको तो 20/√2 हो जाएगा। उसके बाद में आपके ये जो है सीधा सीधा एक रिलेशन से आ गया था, इसका R1 और R2 का रिलेशन पूछा था रेजिस्टेंस का, इस टाइप से निकलेगा। मेकर जो है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, एक सवाल पोटेंशियोमीटर का था और एक रेजिस्टेंस जो है उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उस फॉर्मूले पे बेस था, यानी कि यूनिट पूछी थी अल्फा की। उसके बाद में ये न्यूमेरिकल था एक सिंपल सा। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है MI टाइप के जो है AC DC दोनों में यूज़ होते हैं, और मूविंग जो कॉइल होता है वो वर्क करता है केवल DC पर। और 91 क्वेश्चन आपके हैं हेक्सा और 16 जो होते हैं उसमें डिजिट, और 8-bit डाटा यानी 64 किलो मेमोरी जो स्टोर करने के लिए एड्रेस बस लाइन होती है 16, और 22 डेसिमल में है तो बाइनरी में क्या होंगे आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट पूछा है कि करंट कोयल जो होती है वाट मीटर की, इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप वाट मीटर, उसकी जो आपके दो पार्ट में होती है करंट कोयल फ्लक्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका आपके रेंज एक्सटेंशन से संबंधित है, आर जो वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन करनी है उससे संबंधित न्यूमेरिकल था, देख सकते हैं आप। और उसके बाद में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क संबंधित था एक, और डी फ्लिप फ्लॉप जो है डिले फ्लिप फ्लॉप होता है इसका फुल फॉर्म था, एक रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद में यूनिट ऑफ यूनिट जो है यूनिटी पावर फैक्टर जो है आपके कब होगा, जब वाट मीटर मतलब दोनों बराबर रीडिंग देंगे तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर जो है W1 और W2 बराबर होंगे उस कंडीशन में। इल्यूमिनेशन के दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है लक्स में होती है या फिर लुमेन पर मीटर स्क्वायर में होती है। CRO का इनपुट इम्पीडेंस है वो वेरी हाई होता है। थर्मोकपल जो है उसका रेंज होता है ऑपरेशन रेंज वो मिली वोल्ट के अंदर होता है। और उसके बाद में आपके पूछ लिया था ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर जो अगर सेकेंडरी करंट है रेफर टू प्राइमरी के अंदर करते हैं तो I2′ = I2 × K होता है। और ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस के लिए होता है फाइंड आउट करने के लिए। और एक शंट मोटर का पूछ लिया था कि अगर उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हाफ कर दिया जाए तो उस पर टॉर्क और स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ थी। एक 96 क्वेश्चन है ये कि जो कैपेसिटर होता है चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, लेथ मशीन में कौन सी मोटर है ये पूछा था। सिंक्रोनस मोटर जो है ये SSC में आ चुका है, सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन जो है अगर रिवर्स करते हो आप उसके रोटर के अंदर सप्लाई जो दे रहे हैं आप DC सप्लाई उसको आप रिवर्स करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन जो है उसके प्रभाव क्या पड़ेगा, मोटर की डायरेक्शन है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सिंक्रोनस मोटर के अंदर फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं RYB
तभी मोटर है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो एक्साइटेशन से कोई डायरेक्शन पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, लेफ्ट लिफ्ट जो है इलेवेटर उसमें कौन सी मोटर यूज आती है, और जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में वर्क करता है, इसमें स्कीमिक ट्रिगर जो है आपके बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके ईएमआई से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे संबंधित क्वेश्चन था कि आपके डेड जोन क्या होता है इसके अंदर, और मशीन का क्वेश्चन था जिसमें आपके टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होती है जब हाई टॉर्क रेंज होता है उसमें 1/s होता है टॉर्क के प्रोपोर्शनली। ओपेम जो है उसके अंदर इनपुट इम्पिडेंस जो है वो क्या होता है ये पूछा था सवाल। नेक्स्ट है स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा आपके R2 और X2 इक्वल होंगे तब, ये मशीन का क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर जो है उसमें पोल इवन होंगे या ओड होंगे ये आप चेक कर लेना नेट पे। रोटर जो है उसका आउटपुट जो है यहाँ पर इंडक्शन मोटर की बात हो रही है 1-S × PG। और नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस रोटर रेजिस्टेंस, यानी कि मतलब रोटर का रेजिस्टेंस आप चेंज करोगे यानी बढ़ाओगे स्लिप रिंग जो मोटर है उसका, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद में अल्टरनेटर है वो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होता है फिक्स, और एक NS बराबर 120 f/P से क्वेश्चन आया था। सिंक्रोनस जो कंडेंसर जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो फील्ड जो है एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, पावर फैक्टर चेंज होगा और IA जो आर्मेचर करंट है वी कर्व आपने समझा देखा होगा जो सिंक्रोनस मशीन के लिए होता है आपके, वो आपके IA और IF के बीच में खींचा जाता है, उल्टा वी कर्व होता है वो आपके पावर फैक्टर और IF के बीच में खींचा जाता है, वो चीज़ वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और एक आया था क्वेश्चन आपके कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का आया था कि इसमें स्टार्टिंग करंट और वोल्टेज में कौन आगे पीछे होता है इस टाइप से। DC शंट जो है आपके डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे ये क्वेश्चन पूछा था कि DC शंट मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे। 82 क्वेश्चन है स्प्लिट फेज मोटर जो है उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे। यूनिट जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है उस पर वर्क करती है आपके SRS मोटर। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है, और आपके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो होती है लैगिंग पावर फैक्टर मतलब कर देती है, कोई भी सिस्टम के अंदर अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग लगाओगे तो लैगिंग पावर फैक्टर पर करेगी। और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर की कंडीशन पूछी थी वहाँ पर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में पूछा था, फंक्शन ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक तो ट्यूबलाइट के अंदर आपके वोल्टेज को मेंटेन करंट को मेंटेन करने के लिए, और स्टार्टिंग वोल्टेज जो है बिल्डअप करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए स्टार्टिंग में उसके लिए आपके दो फंक्शन होते हैं चौक के। नेक्स्ट था BJT से संबंधित था कि इसका कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, और JEFT वोल्टेज कंट्रोल सोर्स है।